सौंदीकरण नए साल से। कटंगी नगर मुख्यालय में तालाब का सौंदीकरण का कार्य फिर एक बार किसानों की समस्याओं को लेकर रोक दिया गया है। अब यह तालाब का सौंदीकरण कार्य आगामी वर्ष 2023 में प्रारंभ किया जाएगा। आपको बता दें कि कटंगी मुख्यालय में तालाब का सौंदीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन कोई सूद नहीं ले रहा था। लेकिन कटंगी पत्रकार संघ के द्वारा पैसा जमा कर पूर्व में मुहिम चलाकर तालाब को सवारने के लिए प्रयास कर नगर परिषद को जागृत किया था, और इस मुहिम भी रंग लाई और जहां कुछ हद तक काम भी पूर्ण हुआ है। वहीं अब जानकारी नगर परिषद द्वारा स्वीकृत राशि से सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ कर तालाब के पार वाली रोड पर खुदाई कर पाइप से 14 दिसंबर को लगाया गया और पानी निकासी के लिए रास्ता किया गया, जिसके बाद 15 दिसंबर को पानी निकासी की समस्या को देखते हुए किसानों ने आरोप लगाया कि अभी खरीफ की फसल खेती में है और धान की मिसाई नहीं हुई है, खेती में पानी आते ही फसल को नुकसान होगा, जिसको लेकर पानी निकासी बंद की जाए, और कहा कि आगामी कुछ दिनों बाद कार्य किया जाए। इस बात की जानकारी लगते ही इधर नगर परिषद कटंगी अध्यक्ष योगेंद्र बड्डू ठाकुर मौके पर पहुंचे, साथ में उपयंत्री राजेश चौक से पार्षद वार्ड नंबर 13 सविता दीपक नांगमोते जिन्होंने किसानों की बात सुनी। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र बड्डू ठाकुर ने तुरंत पानी की निकासी रुकवाने का आदेश किया और कहा कि अभी किसानों का कार्य जारी है, विगत 15 दिनों के लिए यह काम रुकवाया जाता है, आगामी नए साल से काम शुरू किया जाएगा। परिषद के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि हम हर समय किसानों की समस्याओं के साथ है, किसानों की समस्या को देखते हुए वर्तमान में काम रुकवाया जा रहा है। कटंगी से मनीष चौक से। का नाम क्या है? शेर सिंह देशमुख। कहाँ रहते हो? छतेरा वार्ड नंबर 12 में। देशमुख जी, क्या समस्या है? अरे भैया, हमारे खेत में अभी पूरी घानी पड़ी है, पुंजने रखे हुए हैं और बिना पूछे इन्हें कलाव खोल दिए किसान ने। किन्होंने खोला? ये नगर पालिका ने। तो पानी कहाँ जा रहा है? ये हमारे खेतों में जा रहा है पूरा पानी। आप लोग क्या चाहते हो? ये अभी रुका जाए, ये पानी अभी नहीं जाना चाहिए, हमारे काम हो जाए उसके बाद जाना चाहिए पानी। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम योगेंद्र सिंह ठाकुर, मैं नगर परिषद का अध्यक्ष हूँ। ठाकुर जी, क्या समस्या है? समस्या ये है कि तालाब का सौंदीकरण के लिए हम करवाना चाहते हैं पानी खाली जी। मगर किसानों की समस्या है, अभी कुछ लोगों के पुनीने रचे हुए हैं, धान पड़ा हुआ है खेती में, इसलिए इसको हमें भी 15 दिन रोक दिए। नए साल में 1 जनवरी से पानी चालू करेंगे, जब तक किसानों की बंदियाओं से धान उठ जाएगा। किसान हमारे कारण किसी भी किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है।